नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। जेबीटी भर्ती घोटाला में अब एक और नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने 48 अफसरों की पेंशन को रोक दिया है। पेंशन रुकने वाली लिस्ट में जॉइंट व डिप्टी डायरेक्टर के नाम भी बताए जा रहे हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि जेबीटी भर्ती घोटाले में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला व उनके बेटे अजय चौटाला की सजा भी पूरी होने वाली है। इसी मामले में आरोपी सेवानिवृत्त अधिकारियों पर सरकार ने अब बड़ी कार्यवाही की है। बताया यह भी जा रहा है कि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह ने इन सभी की पेंशन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। पेंशन रुकने वालों की लिस्ट में अधिकतर जिला स्तरीय सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन व सदस्य भी शामिल हैं। बताते चले कि सीबीआई कोर्ट ने इन्हें भी घोटाले का दोषी माना था। पेंशन रुकने का निर्णय कोर्ट के आदेश पर ही लिया जाना बताया जा रहा है। अब यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि मामला क्या है। आपको बता दें कि वर्ष 1999 से 2000 में हुई 3206 जेबीटी की भर्ती में अनियमितताओं को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। वर्ष 2013 में सीबीआई कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला व उनके बेटे अजय चौटाला को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई थी। कई विभागीय अधिकारियों को जुर्माना व 2-2 साल की सजा सुनाई भी गई। आरोप था कि जेबीटी भर्ती में जिनका चयन हुआ उनकी लिस्ट दिल्ली व चंडीगढ़ में बनाई गई थी। बताते चले कि जेबीटी भर्ती घोटाले में अब शिक्षा विभाग के 48 अफसरों की पेंशन रोकी गई है। पेंशन रोकने का आदेश कोर्ट के आदेश पर जारी करना बताया जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.